हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि ठीक ही होगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एग्रेसिव गेमर में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट एग्रेसिव गेमर। तो भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो, लाइक भी कर रहे हो वीडियोस को, काफ़ी अच्छा सपोर्ट आ रहा है। अभी एक दो दिन के अंदर अंदर काफ़ी ज़्यादा वीडियो यानी पसंद आ रही है, इसलिए मैं टेक वीडियोस पे भी ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, ठीक है। बट अब वापस से कल से गेम प्लेज आने लगेंगे जैसे आ रहे थे, पर अब हफ्ते में 3 टेक वीडियोस तो आएंगी आएंगी, क्योंकि मैंने ये कर लिया है कि भाई हफ्ते में गेम प्ले के 7 टेक वीडियोस भी आएंगे, यानी 2 वीडियोस, ठीक है। कोशिश तो यही करूंगा इसी टाइम टेबल के हिसाब से चलूँ, पर मेरा टाइम टेबल काफ़ी चेंज होता रहता है तो सॉरी उसके लिए। बट नहीं, रेगुलर वीडियो तो एक वीडियो तो रेगुलर आनी आनी है, सही है ना? चलते ठीक है। तो आज आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, आज हम बात करने वाले हैं बुली 2 एंड GTA 6 के बारे में और बुली 2 के बारे में। तो भाई साहब, अगर आप लोग अभी आप नोट करो, अगर अभी आप मोबाइल पर बैठे हो, कोई लैपटॉप पे चेक करो फोन जाके, अगर आप लिखोगे 2019 या रॉकस्टार या लिखोगे तो आप लोगों को बुली 2 के रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे GTA 6 से, और काफ़ी यूट्यूबर्स ने आपको बताया भी होगा, ठीक है ना। आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये हो सकता है कि रॉकस्टार गेम्स इस बार GTA 6 से पहले बुली 2 रिलीज़ कर दे, एक अमेजिंग वीडियो गेम जो काफ़ी अच्छी हिस्ट्री रही है बुली की। पहले पर हमने दी बुली नहीं खेली, PlayStation 2 पे ही आई थी, इसकी स्कॉलरशिप एडिशन Xbox One पर भी आई थी, ठीक है, और PlayStation 4 पे भी आई थी। तो काफ़ी औसम गेम है ये। और आपको नहीं पता बुली के बारे में, तो बुली 2 उसी का सीक्वल होगा, ठीक है। तो बुली 2 के बारे में मैं आप लोगों को इतना बताना चाहूँगा कि बुली 2 शायद हो सकता है कि 2019 के एंड में आए या शुरुआत में आए 2020 के अर्ली आ जाए, ये हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बुली 2 के चांसेस हैं आने के और GTA 6 से पहले आने के हैं। क्योंकि हमें अगर हम ऐसे टाइप करके देखें तो पहले हमें रिजल्ट ज़्यादातर बुली 2 का देखने को मिल रहा है, न्यूज़ बुली 2 की देखने को मिल रही है। तो हो सकता है GTA 6 अभी ना आए, GTA 6 बुली 2 के फॉर्म बाद आए। और पहली बात ये तो कंफर्म कर दूं, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में अपनी कहा था कि E3 पे शायद रॉकस्टार कंफर्म करे, तो मुझे बाद में पता चला इन 3-4 सालों के अंदर जो रॉकस्टार कंपनी है उन्होंने अटेंड ही नहीं किया E3 में। वो लोग इन 3-4 साल से वो लोग E3 में नहीं आ रहे, पता नहीं कोई वजह है उनकी, इस वजह से आई थिंक वो E3 में नहीं आ रहे, तो वो लोग आते नहीं है। और वो लोग डायरेक्ट ऐसा करेंगे कि E3 के आसपास में ही हो सकता है हमें डायरेक्ट GTA 6 का ट्रेलर भेज दे भाई। और अगर GTA 6 का ट्रेलर रिलीज हो गया ना भाई साहब, क्या एक अलग ही धूम होगी, एक अलग ही हाइप होगी, सबका ध्यान अपनी तरफ GTA 6 ले जाएगा फौरन से। एक ही ट्रेलर उनका आना है छोटा सा, भले वो टीजर निकाल दें, ट्रेलर नहीं टीजर ही निकाल दिया सेकेंड्स का, तो लोगों का ध्यान उधर चला जाएगा। E3 के बीच में ये हो सकता है, ये तो भाई अभी हम सोच रहे हैं, वो तो कुछ भी सकता है, ये मुझे लग रहा है कि हो सकता है अभी जैसे सबका ध्यान जब E3 के दौरान E3 पे होगा, उसी दौरान GTA यानी रॉकस्टार कंपनी GTA 6 का ट्रेलर फेंक दे। उन्होंने सिर्फ बुली 2 लोगों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए रखा है कि बुली 2 का लोग समझे हो, बुली 2 पे काम चल रहा है, GTA 6 में तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा है, अभी नहीं आता है ये, और अचानक से E3 के गेम्स पर लोगों का ध्यान है, हो PlayStation ये दिखा रहा है, हो Xbox ये दिखा रहा है, और अचानक से YouTube पे ट्रेलर आ गया रॉकस्टार का GTA 6 का, सबकी दुकानें बंद हो जानी, इतना खतरनाक काम होगा, शायद ही हो सकता है। बाकी कंफर्म तो अभी तक कुछ भी नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला। तो मुझे यही लगता है कि GTA शायद ऐसे ही कुछ रिलीज़ होगी, क्योंकि अगर आप लोग अंदाज़ा लगाओ तो GTA 5 जो है वो 2017 से ज़्यादा 2018 में बिकी, और 2018 से भी ज़्यादा 2019 में बिकी, जबकि 2019 अभी मिड में चल रहा है, तो 2019 में बिकी, यानी अभी भी गेम ना एकदम गर्मा गर्म पूरी तरह बिक रही है, एकदम गर्मा गर्म चल रही है फुल, यानी लोग अभी भी खेलना इस गेम को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते पसंद, पसंद अभी भी इस गेम को बहुत लोग करते हैं, क्योंकि मैं खुद GTA को पसंद करता हूँ, GTA 5 को, ऐसी टॉप सीरीज में से GTA 5 जैसी गेम एक मैं बताऊँ, GTA सीरीज में एक GTA सैन एंड्रियास, GTA 5 और वाइस सिटी, ये 3 गेम ऐसी गेम्स हैं जिनने रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है अपने दौर में। मुझे याद है आज भी जब GTA वाइस सिटी लॉन्च हुई थी तब उसका भी स्कोर इसी तरीके से था, उसकी भी हाइप इसी तरीके से थी, और GTA सैन एंड्रियास जब रिलीज़ हुई थी तब मैं वो काफ़ी छोटा था, पर जब GTA सैन एंड्रियास रिलीज़ हुई थी तो मेरा एक कंप्यूटर था बहुत पुराना, पेंटियम 4 था। तो ये एक अलग वीडियो में हम वैसे बात करेंगे जिसमें मैं बताऊंगा कि मेरी गेम की शुरुआत कैसे हुई, ये एक अच्छा टॉपिक है, इस पर बहुत जल्दी वीडियो निकालने वाला हूँ, ठीक है। तो ये हुआ, उस पर हम खेलते थे, वो अटक अटक के चलता था, बस खेलते थे, गाड़ी चुराते थे, ये सब करते थे, ठीक है। तो ये होता था,
तो खैर ये बातें तो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ वीडियो भी आपको पसंद आएगी, काफ़ी छोटी वीडियो थी, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और हो सकता है कि GTA 5 अचानक से रिलीज़ हो जाए, GTA 6 अचानक से रिलीज़ हो जाए कुछ पता नहीं है, बुलेट 2 का ट्रेलर हमें देखने को मिल जाए, क्योंकि E3 तो अटेंड नहीं करने वाला रॉकस्टार, क्योंकि उन्होंने अभी एक हफ्ते पहले कंफर्म हुआ, उन्होंने रजिस्टर्ड ही नहीं कराया, इसको एक महीने पहले रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है E3 में दाखिल होने के लिए, जो कैलिफोर्निया में हो रही है उसमें दाखिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन करानी थी, उन्होंने कराया ही नहीं, अब कितना कल ही हो रहा है E3, अब हमारा इंतज़ार खत्म होने वाला है, कुछ बड़े गेम्स बड़े पर्दों पर दिखने वाले हैं, तब तक के गुड बाय, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, कुछ तो बड़ा होने वाला है, अल्लाह हाफिज़।